हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूँ सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2022। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, अभी इस समय मैं हूँ गांव में। तो अभी मैं यहाँ से चलने वाला हूँ सीतामढ़ी। तो नए साल की शुरुआत मैं सीतामढ़ी से करने वाला हूँ और इस साल कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, इसलिए धार्मिक स्थल पर जाके पहले दिन का शुरुआत करना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहें, कहीं जाइएगा नहीं। जो लोग चैनल पर नए हैं उन सभी को याद दिलाना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। दोस्तों, इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अभी मैं निकला, करीब 5 किलोमीटर चल के बाइक से आया और यहाँ पर पेट्रोल अभी ले रहे हैं। मनीष मेरे साथ है और आप सभी बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना ठंड बढ़ गया कि मन तो नहीं कर रहा जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ जब निकले हैं तो वीडियो बना के ही घर पर जाएँगे। तो अगर आप लोग कहीं बाहर निकलते हैं तो इतना याद रखिए, आप लोग मतलब स्वेटर जैकेट जो भी है मतलब पहन के ही निकले, नहीं तो कोशिश करिए तो अवॉइड करिए, मतलब निकलिए मत घर से। निकल रहे हैं तो कम से कम स्वेटर जैकेट पहन के, मतलब जितना हो सके अपने आप को ढक के निकले। तो दोस्तों, फाइनली आ गया हूँ सीतामढ़ी। ये देख रहे हैं सामने आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही, जो कि 108 फीट की ऊँचाई पर है। और यहाँ पे पहले बाइक पार कर देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को दिखाना चाहूँगा, यहीं पे बैरिंग किया गया है, इसके आगे कोई जा नहीं सकता। देखिए, इस साइड लोग अपना बाइक कार पार कर रहे हैं, इधर से आने के लिए बनाया गया है, उस साइड भी लोग पार कर रहे हैं। फिलहाल आप बढ़ते हैं आगे और चलते हैं आगे, आप सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं। ठंड इतना है कि दोस्तों, मैंने ये रख लिया था जेब में, मुझे लगा काम आएगा। मैं हेलमेट भी यूज़ करता हूँ कभी, तो उसको ले लिया था, इसलिए मैंने इसको लगाया। आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, आप यकीन नहीं करेंगे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिलहाल आप सभी को मैं आ गया हूँ सीतामढ़ी के पास। थोड़ा बहुत इधर का भी बाहर का दिखाता है, इसके अंदर चलेंगे, वहाँ का आप सभी को सीन दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सामने आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है, जो कि 108 फीट की है, और यहाँ आसपास का दिखाना चाहूँगा नज़ारा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मंदिर के पास और देख रहे हैं उधर, आपको थोड़ा बहुत मेले जैसा व्यू देखने को मिलेगा। और इधर आपको दिखाना चाहूँगा, इस साइड देखने बहुत सारी आपको दुकानें देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं बढ़ रहा हूँ आगे और आगे चल के आप सभी को आगे का व्यू दिखाऊंगा। तो बने रहिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों, आ गया उस जगह पे, आप सभी बताना चाहूँ, त्रिमोहानी है। त्रिमोहानी से एक रास्ता है जो निकल जाता है गंगा नदी की तरफ, और एक रास्ता है जो कि हनुमान जी की तरफ जाता है, और पीछे मेरे देख रहे हैं ये है सीता माँ के स्थान की तरफ जाता है। तो अभी आप सभी को मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। तो ये जो रास्ता आप सभी दिखा रहा हूँ, ये जाता है गंगा नदी की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है। ये देखिए, आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगाइए कितना भीड़ हो सकता है। दोस्तों, जो सामने से देखते हैं और जो कैमरा में देखते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इसलिए आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कितना भीड़ है यहाँ पर। और लोग उस साइड जा रहे हैं, उधर भी आपको लौकुश का धाम है और उधर नहाते भी है। फिलहाल आप सभी बताना चाहूँगा कि मैं गंगा नदी की तरफ नहीं चल रहा हूँ, आप सभी को मैंने इधर से ही भी दिखा दिया, पीछे का साइड लोग देख रहे हैं, इधर जा रहे हैं नहाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और अभी मैं चल रहा हूँ उस साइड हनुमान जी के मंदिर की तरफ, उधर आप सभी भी दिखाऊंगा, इसके बाद चलूँगा माँ सीता के धाम में, उधर भी आप सभी को दर्शन करने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी आप सभी को मैंने गंगा नदी की तरफ जाने वाला रास्ता का व्यू दिखाया है, और अब मैं दिखाना चाहूँगा इधर जो गेट देख रहे हैं, ये जाएगा आपका हनुमान मंदिर की तरफ। ये देख रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से देख रहे हैं। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा यहाँ क्राउड हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं मंदिर की तरफ और वहाँ का आप सभी को व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एक छोटा सा गेट है, उसी गेट के माध्यम से हम अंदर जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो थोड़ा सा केयरफुली चलना होगा और रहना भी होगा यहाँ पर। तो दोस्तों, फाइनली मैं अंदर आ गया हूं और अंदर का भी आप सभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से देखिए कुछ इस तरह से यहां में क्राउड देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत इधर का भी दिखा के तब आगे चलना चाहिए। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, और यहीं बगल में हनुमान जी की मूर्ति आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ से क्लियर काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए, चलिए आप सभी को मैं पूरा यहाँ का A to Z व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये गेट है जैसा कि मैंने बाहर से दिखाया, और अंदर से कुछ इस तरह से गेट का नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ से लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी मैं गार्डन है, गार्डन के साइड हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इधर भी लोग सेल्फी लेते हुए या फ़ोटो क्लिक करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग भीड़ से बचना चाहते हैं, कुछ लोग इधर आके खड़े हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा उधर, देखिए किस तरह से भीड़ हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए सामने आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे बताना चाहूँगा, अगर ठंड यहाँ पर नहीं होता तो आपको इतना भीड़ देखने को मिलता तो आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा मुझे यहाँ कम लग रहा है, क्योंकि
मेरे साथ है मनीष। मनीष पिछली बार आया था तो वो बता रहा था कि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, इस बार कम है। और आपसे भी बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी आई थिंक 6-7 महीने पहले मैंने यहाँ का वीडियो बनाया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उस समय भीड़ नहीं था, लेकिन आज के डेट में मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। और मैं दोस्तों दिखाना भी चाहूँगा आप लोग, देखिए कितना आज के डेट में यहाँ पर भीड़ देखने को मिला है। और कुछ लोग को याद दिलाना चाहूँगा, आज है 1 जनवरी 2022, तो लोग आए हैं यहाँ पे दर्शन करने, पूजा पाठ करने आए हैं, प्लस घूमने टहलने के भी पर्पज़ से कुछ लोग आए हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं भीड़ देख रहा हूँ। और थोड़ा सा दूर चल के आया तो यहाँ से आपसे भी दिखाना चाहूँगा, बगल में देखिए ये पार्ट है गार्डन का ही, जो कि नीचे के साइड है थोड़ा सा। इधर भी लोग देखिए घूमते टहलते नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आज के डेट में यहाँ हमें क्राउड देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और चलते हैं, देखते हैं उस साइड हमें क्या क्या देखने को मिलता है, वो भी आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा। और चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों अभी ये दिख रहे हैं पहाड़, पहाड़ के अंदर ये बनाया गया है, आर्टिफिशियल है लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे रियल में। तो हम चल रहे हैं अंदर और अंदर का भी आप लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ से आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और अंदर आया तो कुछ राहत है, आपसे बताना, भीड़ यहाँ पे होने की वजह से ठंडा नहीं लग रहा है, ये बाहर बहुत हार्ड ठंडा हो गया मेरा। आप सभी को थोड़ा पास से दर्शन करवाते हैं हनुमान जी का, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप सभी को मैंने यहाँ हनुमान जी का दर्शन करवा दिया है, अब चलते हैं सीता समाहित स्थल के पास और वहाँ का आप सभी को सीन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ बाहर, सीता समाहित स्थल जिस साइड है उधर आप चलते हैं। मैं आ गया हूँ रोड पे और इधर से मैं चल रहा हूँ सीता समाहित स्थान पर। और आपसे बताना चाहूँगा, जो लोग 1 जनवरी 2022 को यहाँ पर आए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर कितना ठंडा था। फिलहाल आपसे जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मेरा हाथ इतना चिल्ड हो गया कि ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अभी फाइनली दोस्तों मैं चल रहा हूँ सीता समाहित स्थान के पास और वहाँ पे आप सभी को चलते हुए दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से यहाँ पे हमें भीड़ देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ से कुछ ही दूर पे है, तो बने रहिए दोस्तों, अभी चलते हैं अंदर, अंदर का व्यू आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा। आपसे भी बताना चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और जैसा कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो आप सभी को पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ 8 से 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, तो ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं करते दोस्तों। आप सभी को पहले पार्ट में आप सभी को मैंने हनुमान जी का दर्शन करवाया है, और अगले पार्ट में आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ सीता समाहित स्थान को, तो देखना नहीं भूलिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए मुझे ये दो पार्ट में रखना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, आज के बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।